अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम MongoDB को बेसिक लेवल पर सीखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि MongoDB को डाउनलोड कहाँ से करते हैं, उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, क्लस्टर कैसे बनाते हैं, इसमें डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। तो ये सारा कुछ हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है MongoDB को डाउनलोड करते हैं। उसमें के लिए हम सबसे पहले हम सर्च करेंगे MongoDB कंपास, ये हम डाउनलोड करेंगे डेस्कटॉप के लिए। तो सबसे पहले हम ये सर्च करते हैं MongoDB कंपास, सेकंड लिंक ओपन कर लें डाउनलोडिंग के लिए। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो आपने वेबसाइट को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है डाउनलोडिंग के लिए। स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने का, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट ओपन होगा, यहाँ पे भी आपने देखना है, थोड़ा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा राइट साइड पर। इसको आपने क्लिक करना है तो आपको ऑप्शन डाउनलोड का मिल जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसलिए डाउनलोड नहीं करूँगा। तो मैं इसे कैंसिल करके डायरेक्ट अपने डाउनलोडिंग वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ। फाइल पे आपने जो है ना जो राइट क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करके जो आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा ब्रांड एज एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पर क्लिक करें। आगे सिंपल आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 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 वाला आपने वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, जहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा तो वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने इंस्टॉल की हुई है, ये लंबी हाउस की मैंने ऑलरेडी पहले इंस्टॉल करके रखी हुई है। इंस्टॉल कर ले, मेरा डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, जैसे अभी ये मेरा डायरेक्ट ओपन हो गया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अभी मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए, तो उसके लिए जो है ना क्लस्टर बनाने के लिए, तो मैं सबसे पहले जो है ना जाऊँगा वहाँ पे ब्राउज़र पे जाऊँगा अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह, क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड बनाने के लिए आपको जो है ना ऑनलाइन जो है वहाँ पर जाना पड़ता है। वहाँ पर जब से MongoDB एटलस है तो वहाँ पर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं जो है ना पहले वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सारा कुछ वहाँ पे क्रिएट करूँगा, तो इसलिए सबसे पहले जो है ना मैं अभी वहाँ पे जाऊँगा ब्राउज़र में जाऊँगा अपने दोबारा। तो उस ब्राउज़र में जाके तो सबसे पहले मैं ओपन करूँगा, ये जो है मेरे पास सामने ओपन होगा MongoDB जो है ना एटलस, मैंने ओपन किया हुआ। आपने MongoDB एटलस ब्राउज़र में अपने में सर्च करना है, आपने यहाँ पे साइन अप में जाना है। साइन अप में आपने अपना नाम वगैरह पासवर्ड वगैरह जो कुछ ऐड करना चाहिए, अगर नहीं तो आप डायरेक्ट जो है ना अपना साइन अप विद गूगल कर सकते हैं। साइन अप या वैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मैं साइन अप विद गूगल करके तो ऐसे अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। सिंपल ऑप्शन होते हैं बेसिक लेवल के लिए, एक्सेप्ट करते हैं आप ये कुछ भी जो मांग लें तो आप प्राइवेसी एक्सेप्ट कर दें, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। सिंपल है कि छोटे छोटे प्रोसेस ही आप कंप्लीट करते जाएं। आपने कुछ जो है ना स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आप मैं एज ए स्टूडेंट मैं लर्न मैंने MongoDB करूँगा बिगनर लेवल पे ये, तो इसलिए मैं लर्न MongoDB करूँगा। नेक्स्ट आपने अपनी यानी जो आपकी है ना प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने सिलेक्ट करते जाने, मैं एप्लीकेशन वाला यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो उनसा मर्ज़ी जो है ना आपका जो प्रेफरेबल हो जो आप चाहते हो वो उस पर आप क्लिक करें। सेकंड जो है ना वो आप कोई भी लैंग्वेज जो प्रेफरेबल, मैं जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ इसलिए मैं जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करके तो मैं फिनिश कर दूँगा इसको। ब्राउजिंग अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड कर रहा था। चलो नेक्स्ट अभी हम आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एज लर्नर हैं तो इसलिए मैं फ्री अकाउंट जो है ना वो क्रिएट करूँगा, तो सर्विस चार्जेज वगैरह रहने देते हैं। क्लस्टर क्रिएट करना है, शेयर्ड क्लस्टर है जो आप अपने डेस्कटॉप पे जो आगे जो है ना इस लॉग इन जिसे करेंगे या कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे अब यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना वो सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना यूनिक यूज़र नेम रखना है, यूज़र नेम जो है ना यूनिक होना चाहिए ऑलरेडी, ना कोई बनाओ पहले इसमें ना कोई बनाओ, तो आपने अपना यूनिक यूज़र नेम रखना है।
वो आपको वैसे सजेस्ट, अगर आपको कोई मैच होता होगा वो आपको एरर दे देगा, तो अदरवाइज आपकी मिल के अपना पासवर्ड जो है वो आपने सजेस्ट भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी का भी पासवर्ड आप इसमें रख सकते हैं। तो कोशिश करें आप अपनी मर्जी का पासवर्ड रखें ताकि आपको याद रहे। इसमें आप जो है अपना आईडी वगैरह, नेक्स्ट आप अब इसमें अपने आईडी लैपटॉप का या डेस्कटॉप का अपना आईपी एड्रेस भी लगाएंगे, अदरवाइज आप इसमें सजेस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, सजेस्टेड भी यूज़ कर लें, मैं वैसे भी सजेस्टेड यूज़ करूँगा। कर सकते हैं अपनी डेटा बेस वगैरह जब भी क्रिएट कर सकते हैं, क्लस्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, तो आप इधर वेबसाइट पर भी काम कर सकते हैं। अगर अदर इसमें ये आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे जो आपको डेस्कटॉप पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, अगर आप आपके पास अच्छा इंटरनेट है तो आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे पास डेस्कटॉप है अभी, तो इसलिए हम जो है ना डेस्कटॉप को यूज़ करते हुए ना उसमें अपने डेटा बेस जो है सबसे पहले हम क्लस्टर को कनेक्ट करने के लिए ये लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा ऑनलाइन पे, तो आपने ये लिंक जो है ना इसका पेस्ट कर देना है, सेंटर में अपने यूजर नेम पासवर्ड अपना लगा के कनेक्ट कर देना। नेक्स्ट आपके सामने ये ओपन हो जाएगा जो है डेटा बेस मेमोरी बिगिन, तो इसमें जो है ना आपने सबसे पहले ये नीचे आपको राइट लेफ्ट साइड पे जो है नीचे ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट डेटा बेस का, इसमें आपने डेटा बेस जो है क्रिएट करनी है, कुछ भी कर ले, मैं माई फर्स्ट नेम के नाम से जो है माई फर्स्ट डेटा बेस के नाम से जो है ना क्रिएट कर रहा हूँ अपनी डेटा बेस। नीचे जो सेकंड ऑप्शन आपको जो नज़र आ रहा है इसमें आपने जो है ना कलेक्शन अपनी, जैसे डेटा बेस में सिंपल डेटा बेस में SQL में उसमें टेबल बनाते हैं, इसमें हम कलेक्शन वगैरह जो है ना वो बनाते हैं, तो कलेक्शन का भी आप कुछ भी नाम रख दें, तो मैं इसे भी फर्स्ट कलेक्शन का नाम दे देता हूँ। अब हम इसमें जो है ना अब डाटा इंसर्ट करेंगे, आपको मज़ीद यानी कि मैं एक इधर कलेक्शन वगैरह जो है ना ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें हमको माई डाटा के नाम से या डाटा सेट के नाम से जो है ना हम इसमें कलेक्शन रखते हैं। हमारी दो डाटा पे अभी हमारी दो कलेक्शन जो है ना वो क्रिएट हो गई हैं, तो अब हम जो है ना इसमें किसी भी एक में आप अपनी मर्जी से किसी भी एक में जो है डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम डाटा इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले ये हमारे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये हो गया डाटा इंसर्ट हो गया, तो इसमें जो है ना अब आप इसमें ऐप एडिट करके इसमें आप डाटा अपनी मर्जी से कुछ भी यानी नेम ऐड कर लें, पासवर्ड ऐड कर लें, इसमें डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लें, कुछ भी यानी आप अपने रिलेटेड जो डाटा आप ऐड करना चाह रहे हैं वो इसमें डाटा ऐड कर सकते हैं, डाटा अपडेट कर सकते हैं। सिंपल ऑप्शन आपके सामने अभी ये एडिट कर रहा हूँ, अपडेट हो गया। अभी मैं मज़ीद एक और डाटा जो है ना वो इंसर्ट करता हूँ इंसर्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू, इसमें ये आईडी यूनिक होती है, तो नेक्स्ट जो है मैं फिर इसको एडिट करता हूँ, तो इसमें जो है मैं डाटा ऐड करता हूँ, मज़ीद जो है नेम ऐड करूँगा। डाटा को डिलीट करना सिंपल ही आपके सामने ऑप्शन डिलीट कर, इसे डिलीट कर दें, डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये थी, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।